हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी जंप सूट की स्टिचिंग। तो इसकी कटिंग का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने नेक की कटिंग करनी है। 2 इंच का हमने बॉक्स बना लेना है, 2 इंच नीचे से, 2 इंच ऊपर से। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब एक साइड हम फ्रंट साइड हम लेंगे और बैक साइड को निकाल देंगे। जो फ्रंट साइड है उसकी हम सेंटर से कटिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिप लगानी है, बटन पट्टी लगाएंगे यहाँ पे। तो ठीक है, ये हमने कट कर दी। अब इसमें हम बटन पट्टी लगाएंगे। एक साइड में बटन होगा और एक साइड में चाक होंगे। और जहाँ पे हमने बटन पट्टी लगानी है, एक जो हमारी स्ट्रिप है वो 2.5 इंच की है और एक 3 इंच की है। जो 2.5 इंच की ये वाली स्ट्रिप है, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमारे चाक बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी सिलाई करनी है और एक सिलाई हम ऊपर से और लगा देंगे, ताकि हमारी जो सीन है वो बैठ जाए, कपड़ा बैठ जाए। तो इस तरीके से सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे हम एक रफ सिलाई लगा देंगे। बाद में इसको आप खोल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, जो दूसरी पट्टी है इसमें हमने बटन लगाने हैं। तो ये बढ़ी हुई पट्टी है, इसको हम 1 इंच आगे बढ़ा करके लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने फोल्ड करना है, आगे की तरफ 1 इंच बढ़ा देंगे इसको। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और इस तरीके से सेट करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए सिलाई लग चुकी है। अब ये जो ऊपर पट्टी है जो हमने अंदर की तरफ मोड़ी थी, इसको ऊपर रखते हुए इस तरीके से रफ सिलाई लगा देंगे। तो ये बहुत अच्छा जंप सूट बन के तैयार होगा। 7 साल के बच्चे के लिए बहुत अच्छे से बनेगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको घर में, ठीक है। तो अब इसकी जो बैक साइड है वो हम शोल्डर से ऐसे स्टिच कर देंगे, दोनों शोल्डर स्टिच कर देंगे, ठीक है। अगर आपको लगे कि गला थोड़ा इसका नेक जो छोटा है, तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा सा और कट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने कट करा है, इस तरीके से आप थोड़ी सी इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको छोटा लगे तो, अदरवाइज़ आप जितना है उतना ही रहने दीजिए। तो ये मैंने 10 इंच का, 10 बाय 10 इंच का हमने कपड़ा लिया है। इसको हमने 4 फोल्ड करा है, जॉइंट वाला हिस्सा हमने इस तरीके से फोल्ड करा है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये जो हमारा नेक है ऐसे इसको रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और ऊपर से हम देखेंगे कि हमारा 8 इंच है। तो ऐसे 8 इंच में निशान लगाते हुए इसकी ऐसे राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी बहुत अच्छी फ्रिल बनेगी। आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगी ये कैसे मैंने सूट बनाया है, जंप सूट। तो ये देखिए, ये मेरी फ्रिल तैयार है। इसको हम बीच से कट कर लेंगे, मतलब इसको अभी हमने तैयार करना है। तो अब इसमें मोटा बखिया करके इसमें सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने सिलाई लगाई, पूरी फ्रिल में हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। ये सिलाई लगा दी है। अब इसमें से एक धागा हम खींचेंगे इस तरीके से। तो इसमें जो गैदर्स हैं वो हम डाल देंगे पूरी फ्रिल में, और हम गले के नाप के जितनी ही हमने इसमें गैदर्स डालनी है, जितना हमारा नेक है उसमें ये पूरा फिट आ जाए, इस तरीके से हमने इसमें डाल देनी है चोने।
अब नीचे से हम फोल्ड कर देंगे इसको। तो हमने नीचे से फोल्ड कर दिया है, अब इसमें हम नेक में अटैच करेंगे। ठीक है, हमने सीधी साइड ऊपर लेनी है और ये जो बड़ी हुई पट्टी थी इसके ऊपर नहीं रखेंगे, इसके बिल्कुल साइड में रखेंगे, जहाँ पे बड़ी पट्टी स्टार्ट हुई थी वहाँ से ही रखेंगे। और ऊपर हम रेप पट्टी कट करके इस तरीके से गले को स्टिच कर देंगे, साथ में रेप पट्टी भी लग जाएगी। और ये जो दूसरी साइड थी हमने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के पहली साइड में लगाया था, ये जो दूसरी साइड थी वहाँ पे हमने पूरी फ्रिल को लगाना है इस तरीके से। और ऐसे हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे, ऐसे कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे आप या तो सिलाई लगा दें या फिर तिरपाई कर लें। अब ये जो आर्म होल है इसमें भी हम पट्टी लगाएंगे, जो हमारा फ्रंट साइड है उसको हम ऊपर रखेंगे और इस तरीके से पट्टी हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, नीचे से नहीं लाएंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो बॉर्डर है इस तरीके से हमारा बॉर्डर दिखेगा, अच्छी लगेगी पट्टी इस तरीके से आप ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो ये दोनों शोल्डर में मैंने पट्टी लगा दी है आर्म होल में। तो अब ये मेरी लेस है, अगर आप इस तरीके से ही रखना चाहते हैं तो ऐसे ही रखिए, नहीं तो अगर आपके पास लेस है तो यहाँ पे आप लेस लगा सकते हैं पूरी इस तरीके से राउंड राउंड पूरे गले में। तो ये देखिए मैंने लेस लगा दी है। अब ये जो मैंने खुला हिस्सा है इसको हम फिर से बंद कर देंगे, क्योंकि अभी इसकी हमने फिटिंग करनी है, जब फिटिंग कर लेंगे तब इसको फिर खोल देंगे। ठीक है, रफ़ सिलाई से हमने इसको स्टिच कर दिया है। तो ये जो हमारी बॉडी है ये बनके तैयार है, अब इसका हमने बॉटम तैयार करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने बॉटम के जो आसन है उसमें हमने सीन लगानी है, दोनों आसन स्टिच कर देने हैं और इसमें हम पॉकेट भी लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने आसन स्टिच कर दिया, अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने पॉकेट लगानी है। तो 9.5 इंच हमारी लंबी पॉकेट है और 5 इंच चौड़ाई है इसकी, और एक साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। और इस तरीके से हमने ये जो बॉटम है उसकी उल्टी साइड लेनी है। ठीक है, ऊपर से हमने 2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से हमने 4.5 इंच तक इस तरीके से सिलाई लगानी है, ताकि जो बच्चे का हाथ है पॉकेट में आसानी से जा सके। और यहाँ पे कॉर्नर पे हमने कट लगा देने हैं कपड़ा पलटाने के लिए। तो पॉकेट मैंने और भी अपनी वीडियो में सिखाई है, अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं इस वीडियो में अपना जो पॉकेट लगाने का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने पॉकेट लगानी है और इसको ऐसे सेट करते हुए एक सिलाई लगा देंगे और ऊपर से। ठीक है, इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी। तो ये देखिए हमारी एक साइड की पॉकेट लग चुकी है, अब दूसरी साइड की भी हमने लगानी है। तो ये मैंने दोनों साइड की पॉकेट तैयार कर ली है, अब ये जो बैक साइड है इसको हम इस तरीके से ऊपर रख के इसको स्टिच कर देंगे। तो ध्यान रहे जो पॉकेट वाला हिस्सा है वो सिलाई में नहीं आना चाहिए, मतलब पॉकेट बंद नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आप सिलाई लगाइएगा। तो ये मैंने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है, अब ये जो आसन वाली सिलाई है इसको भी हम लगा लेंगे। ठीक है, इसको भी हमने स्टिच कर लिया। तो अब हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, और फोल्ड कर देना है। तो हमारा जो बॉटम है इस तरीके से हम नापेंगे, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब हमने फिटिंग का निशान लगाना है, फिटिंग हमारी ऊपर थी 14 इंच और नीचे भी हम 14 इंच रखेंगे। इस तरीके से हम फिटिंग निशान लगाएंगे और इसमें स्टिच कर देंगे इसको, कट जहाँ तक कट है वहाँ तक हम स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये हमने स्टिच कर दिया, अब इसको हमने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद जो हमारा नीचे वाला बॉटम है उसको हमने उल्टा ही रखना है और इस तरीके से इसको अंदर डालते हुए। ठीक है, ये जो आसन वाला हिस्सा है और जहाँ पे हमारी बटन पट्टी लगी थी उससे इस तरीके से मैं सेट करते हुए सिलाई लगा देंगे। ठीक है, बटन पट्टी वाला हिस्सा और आसन वाला हिस्सा दोनों
सेंटर में होने चाहिए। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको हम सीधा करेंगे और पट्टी को हम खोल देंगे जो हमने रफ सिलाई लगाई थी। तो ये मैंने सीधा कर दिया है इसको। तो ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ कमर वाले हिस्से में एक हम स्ट्रिप लगाएंगे। ये लंबी स्ट्रिप मैंने कट करके रखी है, तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है ये। ठीक है, इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। कमर वाली जो सीन है उसके ऊपर ऐसे रखते हुए स्टिच करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप ही ये वीडियो बना रही हूँ, अगर कुछ गलत हो जाए तो प्लीज़ सॉरी। तो कैमरा हिल रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अकेले ही ये वीडियो को बना रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको स्टिच कर देना है और ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई ले आएंगे ऊपर तक और यहाँ पे पक्का कर देंगे। अब ऊपर से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ इस तरीके से पट्टी ले आएंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है। अब इसमें हमने ये जो डोरी है ये तैयार करके रखी है। अब इसके अंदर सेफ्टी पिन की सहायता से इसको अंदर परो देंगे। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दी है। अब इसको अपने मर्जी के हिसाब से जितनी आपको चाहिए इस तरीके से आप लगा सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।